आज डीडीसी हीरानगर अभिनंदन शर्मा द्वारा तिरंगा रैली जो है बॉर्डर इलाके में निकाली गई है और इस रैली को जो है युवाओं द्वारा जो है पूरी तरह से सफल बनाया गया है। अभिनंदन जी, जब भी आप कोई रैली करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी पूरी तरह से सफल होती है और स्वतंत्र दिवस पर इस तरह की रैली, वो भी बॉर्डर इलाके में और पड़ोसी मुल्कों को कितना बड़ा संदेश है जी। पहले तो आपके माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और जिस तरह से आज की रैली में युवाओं ने पार्टिसिपेट किया, साफ तरीके से दिखता है कि हमारे युवा यहां पर डटकर खड़े हैं सेना के साथ। यहां पे आज रैली, वहां से बॉर्डर तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अगर कभी गोलाबारी होती है तो यहाँ के हीरानगर के लोग, बॉर्डर के लोग इतने मजबूत हैं कि गोलाबारी से डरकर कभी ये नहीं सोचते कि हम अपना गांव छोड़कर जाएं। तो आज भी उसी जीरो लाइन पर बैठे हैं, चाहे जितनी मर्जी गोलाबारी हो, वो सेना के सिपाही तो अगर उनका सामना कर रहे हैं, दूसरा सामना वहां के लोग भी कर रहे हैं और अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि उनको ये देश का तिरंगा जान से ज्यादा प्यारा है। जहां पे आपने देख लिया कि हर घर तिरंगा में कितने युवाओं ने, और ये सारा का सारा यूथ बॉर्डर का था, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और पूरे हीरानगर के लोगों ने इसको बढ़ चढ़ कर सफल बनाया। अभिनंदन जी, चुनावों से पहले आपका शक्ति प्रदर्शन भी से हम कह सकते हैं, इस तरह से आपके साथ युवा जो है समर्थन हमेशा से दिखाते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो चलते हैं और इलाके में कहीं ना कहीं आपकी जो फैन फॉलोइंग है युवाओं में, वो आज भी हमने देखी है। चुनावों से पहले आपका शक्ति प्रदर्शन भी हम इसे माने तो गलत नहीं जी, इसको आप शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से हमें कार्यक्रम मिला है हर घर तिरंगा, और जिसमें तिरंगा बाइक रैली, मोटर बाइक रैली हमें करनी है हर घर तिरंगा उसमें, और ये युवाओं के लिए ही कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम है और हर वर्ष होता है। पिछले साल भी आपने देखा होगा, ये उसी कार्यक्रम के तहत ये तिरंगा रैली है। हाँ, अभी चुनाव है तो आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से युवाओं भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने युवाओं भाइयों कंधे से कंधा मिलाकर। अभिनंदन जी, पड़ोसी मुल्क के चेहरे पर कितना बड़ा तमाचा है, जिस तरह से युवा जो है लगातार बॉर्डर इलाके के जो है वो कंधे से कंधे मिलाकर जो है चल रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में हमने देखा है कि हमेशा से जहां पर जो है आतंकवाद जो ये इलाका जो प्रिय रहे हैं, कहीं ना कहीं यहां पर नुकसान भी आमतौर पर काफी यहां पर रिहायशी लोगों को उठाना पड़ता था, लेकिन उसके बावजूद भी इलाके के लोग और प्रिय जो युवा है, इलाके के लोग जो है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों से। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बॉर्डर लोगों को जब भी कभी गोलाबारी का सामना करना पड़ता था तो उनको बॉर्डर छोड़ के अपना गांव जाना पड़ता, लेकिन 10 सालों से कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जो कि मजबूर हुआ होगा गोलाबारी के कारण अपनी गांव, अपनी जमीन छोड़कर कहीं और, चाहे 4 दिन का चाहे 5 दिन के लिए कहीं रहने बसने के लिए गया हो रिफ्यूजी के तौर पे। तो इससे आप स्थिति देख सकते हैं सेना की कितनी मजबूत स्थिति है और सरकार की कितनी मजबूत स्थिति है, और ये क्लियर मैसेज है युवाओं की तरफ से कि सेना अगर मजबूती से खड़ी है तो हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़े हैं, चाहे पाकिस्तान की गिदड़ बकियां, चाहे वो मर्जी सोचें, उनके सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर कभी जरूरत पड़ी तो यहाँ के युवा, बॉर्डर के युवा डटकर खड़े हैं अपने देश के साथ और सेना के साथ। इसी समय देने के लिए हमारे साथ डीडीसी हीरानगर अभिनंदन शर्मा जी मौजूद थे और साफ शब्दों में ये कहा है कि कहीं ना कहीं ये पड़ोसी मुल्क के चेहरे पर कहीं ना कहीं ये तमाचा है, जिस तरह से युवा जो है लगातार बॉर्डर इलाके के जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो बॉर्डर के लोगों के साथ खड़े हैं।